नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम कपलिंग कांस्टेंट के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने NMR स्पेक्ट्रा के बारे में नंबर ऑफ सिग्नल, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, केमिकल शेप्स, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, इसके बारे में अध्ययन किया। स्पिन स्पिन कपलिंग के द्वारा जब NMR स्पेक्ट्रा मल्टीप्लेट्स शो करता है, सिंगलेट मल्टीप्लेट्स, तो मल्टीप्लेट्स में एक से अधिक पीक होती है, ग्रुप ऑफ पीक्स होती हैं। उन ग्रुप्स ऑफ पीक्स में एक मल्टीप्लेट्स में दो पीक एडजेसेंट पीक के केंद्र बिंदु से मध्य की दूरी समान होती है, एक मल्टीप्लेट में कांस्टेंट होती है, और इस कांस्टेंट मान को हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, समझिए, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू एडजेसेंट पीक्स इन ए मल्टीप्लेट्स इज usually constant and is called the coupling constant. It is independent of the external magnetic field measured in hertz or CPS. The value of J generally lies between 0 to 20 hertz. Multiplate में जो group of peaks होती है, उन groups of peaks के adjacent peak के मध्य की दूरी constant होती है, इसी को ही हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम हर्ज या CPS में मेजर करते हैं, तथा इनका मान है वो 0 से 20 तक वेरी करता है या इनके बीच का होता है। कपलिंग कांस्टेंट को समझने के लिए हम एग्जांपल्स के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं 112 ट्राइक्लोरोइथेन, इसमें दो प्रकार के प्रोटोन हैं, ए प्रोटॉन्स जो CH2 है, मेथिलीन समूह, और बी प्रोटॉन है वो CH समूह है। यहाँ पे ए प्रोटॉन्स के द्वारा हमें डबलेट प्राप्त होता है और बी प्रोटॉन के द्वारा हमें ट्रिपलेट प्राप्त होता है। ये डबलेट और ट्रिपलेट दोनों एडजेसेंट कार्बन पर उपस्थित हैं, तो डबलेट यानी ग्रुप ऑफ पीक्स हैं और ट्रिपलेट का मतलब भी ग्रुप्स ऑफ पीक है। ट्रिपलेट में तीन पीक्स हैं ग्रुप में और डबलेट में दो पीक्स हैं ग्रुप में। इन दोनों जो ग्रुप के पीक्स हैं एडजेसेंट के, एक मल्टीप्लेट्स में दो एडजेसेंट पीक जो ग्रुप की पीक्स है उसके मध्य की दूरी कांस्टेंट होती है, जिसको जे कहते हैं, जे से डिनोट करते हैं, और इस कांस्टेंट को ही हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग। ये कपलिंग है वो कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार हैं। नंबर वन जीमिनल कपलिंग, विसिनल कपलिंग और लॉन्ग रेंज कपलिंग। जीमिनल कपलिंग कांस्टेंट, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं जीमिनल कपलिंग क्या है, और जीमिनल कपलिंग कौन दर्शाता है, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स कौन से होते हैं, जैमिनल प्रोटॉन्स हैं वह प्रोटॉन्स जो सेम कार्बन से अटैच होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये दोनों प्रोटॉन हैं वो सेम कार्बन से अटैच हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन ये और ये जैमिनल हैं। और इन दोनों प्रोटॉन से जो प्राप्त मल्टीप्लेट होगा इनके पड़ोस के कार्बन की वजह से, कार्बन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट या अदर प्रोटॉन्स की वजह से, इंट्रैक्शंस की वजह से, जो जैमिनल प्रोटॉन है वो मल्टीप्लेट्स पीक यदि शो करते हैं, तो उस केसेस में इन प्रोटॉन्स के मल्टीप्लेट्स में जो एडजेसेंट पीक होती है उनके बीच की दूरी जैमिनल कपलिंग कांस्टेंट कहलाती है, जो कि एक कांस्टेंट नियत मान होता है। तो आइए प्लॉट या ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैमिनल कांस्टेंट जे वर्सेज एच सी एच एंगल, एच सी एच एंगल, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंगल और जैमिनल कपलिंग कांस्टेंट के मध्य हम प्लॉट खींचते हैं, प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं। तो उस केसेज में हम ये प्राप्त करते हैं कि जैसे जैसे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल का मान बढ़ रहा है, इन बॉन्ड एंगल के मान में वृद्धि के साथ जीमिनल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू का मान भी बढ़ता है। आप स्पष्ट से देख सकते हैं
प्लस फाइव जीरो माइनस फाइव माइनस टेन माइनस फिफ्टीन, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो इसकी सी पी एस में मान भी बढ़ रहे हैं। माइनस टेंस यानी कि हंड्रेड्स पे कुछ वैल्यू थी और 110 डिग्री एंगल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग माइनस 15 हो गई, और 120 पे ये वैल्यू कितनी आ गई, जीरो के करीब आ गई। तो ये जो आप देख सकते हैं विसिनल जो प्रोटॉन हैं उनकी वजह से जो कपलिंग कांस्टेंट है वो एंगल के इंक्रीज करने पर हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का जो एंगल है उसको मान यदि बढ़ रहा है तो जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट का मान भी बढ़ेगा। दूसरी बात, यदि हम उस जेमिनल कार्बन जो जेमिनल प्रोटॉन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि ज़्यादा है तो वो सिग्मा बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और इसकी वजह से इस जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट का मान भी बढ़ जाएगा। यानी कि इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट। तीसरी बात यह है जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट के केस में द वैल्यू ऑफ जे इंक्रीजेज इफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी द वैल्यू ऑफ जे डिक्रीजेज इफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटीट्यूएंट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड के यदि इलेक्ट्रॉन्स का विड्रॉ हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के द्वारा तो जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट का मान घट जाएगा, ये बात ध्यान रखने योग्य है। हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, या मेथेन है कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कर रहे हैं हम। फिर क्लोरोमेथेन है, इसके केस में -10.8 CPS कपलिंग कांस्टेंट का मान है, और फ्लोरोमेथेन में देखिए -9.4 है, यानी कि यहाँ कपलिंग कांस्टेंट का मान बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। सेकंड है टाइप्स विसिनल कपलिंग। विसिनल कपलिंग को समझने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि विसिनल प्रोटोन क्या होते हैं। एडजेसेंट कार्बन पे उपस्थित प्रोटॉन्स क्या कहलाते हैं, विसिनल प्रोटॉन्स कहलाते हैं, या हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं विसिनल प्रोटॉन्स आर द प्रोटॉन्स विच आर सेपरेटेड बाय थ्री बॉन्ड्स। तीन बॉन्ड के द्वारा जो सेपरेट हो रहे हो वो प्रोटॉन्स क्या हैं, विसिनल प्रोटॉन हैं। और हम विसिनल प्रोटॉन्स में डायहेड्रल एंगल मेजर कर रहे हैं, वहाँ जेमिनल में हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंगल को कंसिडर किया था, या हम हाइड्रल एंगल जिसका न्यूमेंसन प्रोजेक्शंस के द्वारा हम आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट। लेकिन अभी ये हम ग्राफ के माध्यम से प्लॉट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं विसिनल कपलिंग कांस्टेंट किस प्रकार वेरी करता है डाईहेड्रल एंगल के साथ। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ डाईहेड्रल एंगल है और इस और कपलिंग कांस्टेंट है। डाईहेड्रल एंगल का मान हम बढ़ा रहे हैं लगातार 20 डिग्री 40 60 80 100, तो हमें एक इस प्रकार का वी शेप का एक हमें वेरिएशन मिलेगा कपलिंग कांस्टेंट में विसिनल कपलिंग कांस्टेंट में। यदि डाईहेड्रल एंगल का मान 0 है या 180 है उस स्थिति में उस कंडीशन में विसिनल कपलिंग कांस्टेंट का मान मैक्सिमम है, आप देख सकते हैं यहाँ मैक्सिमम है। और यदि डाईहेड्रल एंगल का मान 90 डिग्री है तो उस केसेस में कपलिंग कांस्टेंट का मान जीरो होगा। तो आप यहाँ इस ग्राफ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं डाईहेड्रल एंगल के साथ किस प्रकार कपलिंग कांस्टेंट वेरी करता है। ये न्यूमेंसन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है या न्यूमेंसन प्रोजेक्शंस है किसका, इथेन का। इथेन में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जो बड़ा एक सर्कल है जो पीछे का कार्बन है, और ये जो डॉट है वो आगे का कार्बन है। इस आगे के कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये पीछे के कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में जो ये एंगल दिख रहा है आपको, इस एंगल को हम डाईहेड्रल एंगल कहते हैं, और इस एंगल के वेरी करने से हमें विसिनल कपलिंग कांस्टेंट के मान में भी वेरी मिलता है। और 90 डिग्री जब एंगल होता है तब हमें कपलिंग कांस्टेंट का मान जीरो प्राप्त होता है। ये
इथेन का न्यूमेंसन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, उसके अंदर आप देख सकते हैं गौश फॉर्म और एंटी फॉर्म। नेक्स्ट, दी वैल्यू ऑफ कपलिंग कॉन्स्टेंट आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये विसिनल की बात हो रही है। और यदि ओलिफिन कंपाउंड लिया गया है तो जो कपलिंग कॉन्स्टेंट ट्रांस का है वो ज़्यादा होगा कपलिंग कॉन्स्टेंट सिस की बजाय। और ये जो विसिनल कपलिंग कॉन्स्टेंट है इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, जे इज इक्वल टू 8.5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 0.28। यदि थीटा का मान कहाँ, यदि डायहेड्रल एंगल का मान 0 से 90 के बीच वेरी कर रहा हो, और यदि डायहेड्रल एंगल का मान 90 से 180 के बीच वेरी कर रहा है, उस केसेस में हम कपलिंग कांस्टेंट जो विसिनल का उसको निकालने का फॉर्मूला है 9.5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 0.28। थर्ड है टाइप्स कपलिंग कांस्टेंट का, लॉन्ग रेंज कपलिंग। लॉन्ग रेंज कपलिंग क्या है? लॉन्ग रेंज कपलिंग, यदि कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड है या कोई फ्लोरो कंपाउंड्स है तो उस केसेज में हम हाई रिजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोमीटर काम में ले रहे हैं, तो हमें कपलिंग जो कांस्टेंट है वो मेजर होगा, ऑब्जर्व होगा, मेजरेबल होगा या ऑब्जर्व्ड होगा उसको हम, ये इसका कारण क्या है? इसका कारण लॉन्ग रेंज कपलिंग है। तो देखिए, इन अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स और इन फ्लोरो कंपाउंड्स appreciable coupling is observed with the help of high resolution spectrometer even if the concerned nuclei are three bond apart. It is called long range coupling. यानी जिसकी वजह से coupling हो रही है, जिन protons की वजह से या जिन नाभिक की वजह से, वो तीन bond दूरी पर स्थित होने पर भी वो coupling कर रहा है, वो विसिनल नहीं है, वो जैमिनल protons नहीं है, जैमिनल नाभिक नहीं है, फिर भी उनमें coupling हो रही है, इसका कारण क्या है? लॉन्ग रेंज coupling है। लॉन्ग रेंज coupling अनसेचुरेटेड या कुछ फ्लोरो कंपाउंड्स में देखी गई। आप इसका लॉन्ग रेंज का कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये देखिए, प्रोपीन है, इस प्रोपीन में यहाँ ये प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के बीच में कपलिंग होगी, तो ये कपलिंग क्या कहलाती है? लॉन्ग रेंज कपलिंग कहलाती है, जिसका मान जे एल का मान है वो -1.7 CPS है। और यहाँ फ्लोरो कंपाउंड है, इसमें यहाँ देखिए ये CH2 प्रोटॉन्स के जो प्रोटॉन्स हैं, और यहाँ पर इस CH2 ओलिफिनिक जो CH2 प्रोटॉन है उसके प्रोटॉन्स के मध्य भी कपलिंग मेजर हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है, ये हाई रिजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोमीटर काम में लेने पर ये ही प्रदर्शित होगी। तो इसका मान जे का मान -2.3 CPS है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो प्रोटॉन, दोनों जो प्रोटॉन हैं जिसकी वजह से हमें कपलिंग प्राप्त हो रही है, कपलिंग कर रहे हैं, ये तीन बॉन्ड की दूरी पर स्थित है, ये मस्ट है। अब एक और परिघटना है, फिनोमिना ऑफ केमिकल एक्सचेंज। ये जो रासायनिक विनिमय की परिघटना है ये क्यों प्रदर्शित हो रही है? हम एक एथिल एल्कोहल का एग्जांपल्स ले रहे हैं, और एथिल एल्कोहल में आप देख सकते हैं थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ए प्रोटॉन्स जो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है, बी प्रोटॉन जो मैथिलीन प्रोटॉन्स हैं, और सी प्रोटॉन जो मैथिल प्रोटॉन है। इन तीन प्रकार के प्रोटॉन से हमें NMR स्पेक्ट्रा में तीन प्रकार की पीक मिलनी चाहिए। तीन प्रकार की पीक में हम जो NMR स्पेक्ट्रा की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका विशेष थिंग्स जो स्पेशल करेक्टर्स थे, स्पिन स्पिन कपलिंग। स्पिन स्पिन कपलिंग का मतलब है कि ये कार्बन और ये कार्बन एडजेसेंट है, तो यदि ये मैथिलीन वाला रेजोनेंस में है तो मैथिल प्रोटॉन्स इसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रैक्ट करेगा, जिससे बी प्रकार के प्रोटॉन्स की हमें मल्टीप्लेट प्राप्त होगा, उसका नाम होगा क्वाड्रेट। और मैथिल प्रोटॉन यदि रेजोनेंस में है उस समय मैथिल प्रोटॉन्स हैं वो मैथिलीन प्रोटॉन्स जो दो प्रोटॉन्स हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और इस मैथिल प्रोटॉन्स का हमें मल्टीप्लेट प्राप्त होगा, जिसको हम कहते हैं ट्रिपलेट। ये आप समझ चुके होंगे कौन ट्रिपलेट होगा, कौन क्वाड्रेट होगा। एडजेसेंट में जितने प्रोटॉन होते हैं उसे एक बड़ा करके वो मल्टीप्लेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एडजेसेंट ऑक्सीजन है, कार्बन के एडजेसेंट में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे हमें हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन और मेथिलीन के बीच में किसी प्रकार का हमें कपलिंग प्रदर्शित ही नहीं हो रहा है। इस सिर्फ हमें हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन से उसकी वजह से हमें सिंगलेट प्राप्त हो रहा है, ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन्स हैं, ये हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन्स को इस मैथिलीन प्रोटॉन्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, इसके साथ जो कपलिंग करने के लिए टाइम ही नहीं है। ये इतना फास्ट एक्सचेंज कर देता है अपने प्रोटॉन को अन्य एथिल एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये फास्ट विनिमय के कारण ये अवेलेबल नहीं रहता है स्पिन स्पिन कपलिंग के लिए। इसी वजह से हमें सिंगलेट प्राप्त होता है, किसका? हाइड्रोक्सिल प्रोटोन का। इट शोज सिंगलेट ड्यू टू फास्ट एक्सचेंज ऑफ OH प्रोटोन विथ अदर इथेनॉल मोलिक्यूल्स। तो हम इस परिघटना को कैसे क्विंच करते हैं, ये केमिकल एक्सचेंज को हम इसकी दर को मंद कैसे करते हैं? जैसे ही हम केमिकल एक्सचेंज को बंद कर दिया, बंद करते ही ये जो हाइड्रोक्सिल प्रोटोन है वो अवेलेबल रहेगा इस मेथिलीन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, कपलिंग स्पिन स्पिन कपलिंग करने के लिए, और मेथिलीन वाले प्रोटोन से वो इस हाइड्रोक्सिल को और हाइड्रोक्सिल वाले मेथिलीन को इंटरेक्ट करेंगे और हमें स्पिन स्पिन कपलिंग परिलक्षित होगी और हमें मल्टीप्लेट प्राप्त होगा। तो ये केमिकल एक्सचेंज को क्विंच करने के लिए, इसकी दर को कम करने के लिए, मंद करने के लिए हमारे पास दो उपाय हैं। एक है यदि हम स्पेक्ट्रा एथिल एल्कोहल का जो स्पेक्ट्रा है या मेथिल एल्कोहल का जो स्पेक्ट्रा है उसको लो टेम्परेचर पर यदि हम मेजर करें, दूसरा हम सॉल्वेंट के रूप में डाई मेथिल सल्फोक्साइड लें, उस केसेज में हम केमिकल एक्सचेंज को रोक सकते हैं और हमें यहाँ जो सिंगलेट प्राप्त होगी वो सिंगलेट नहीं होकर के हमें मल्टीप्लेट प्राप्त होगा। तो आइए पहले समझ लेते हैं केमिकल एक्सचेंज के बारे में। केमिकल एक्सचेंज यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो दो एथिल एल्कोहल या कोई एल्कोहल हैं, एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में यहाँ एक हाइड्रोक्सिल समूह जिस पे स्टार्ड प्रोटॉन है और दूसरा जो एल्कोहल है एथिल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल उसमें हाइड्रोक्सिल पे कोई मार्क्ड प्रोटॉन नहीं है। यदि ये फास्ट विनिमय के द्वारा देखिए आप, स्टार्ड वाला प्रोटॉन है वो दूसरे एथिल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स पे चला जाता है और इससे ये जो विनिमय की दर फास्ट होने के कारण स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं हो पाती है और हमें हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है वो सिंगलेट के रूप में प्राप्त होता है। इट इज़ कॉल्ड केमिकल एक्सचेंज। इट डिक्रीजेज विथ लो टेम्परेचर एंड इन DMSO सॉल्वेंट। यदि टेम्परेचर घटा दिया जाए और DMSO सॉल्वेंट लिया जाए तो हम इस एक्सचेंज को काफ़ी हद तक या क्विंच कर सकते हैं, मंद कर सकते हैं इसकी दर को। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं हम मेथिल एल्कोहल का, किसका? मेथिल एल्कोहल का CH3OH। यहाँ देख लीजिए आप, इस मेथिल एल्कोहल में कितने प्रोटॉन हैं, कितने टाइप के प्रोटॉन हैं? दो प्रकार के प्रोटॉन हैं, हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन और मेथिल प्रोटॉन। तो हमें NMR स्पेक्ट्रा में दो सिग्नल मिलने चाहिए। यहाँ दोनों सिग्नल आप देख सकते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें दो प्रकार के सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं, वो दोनों ही सिंगलेट फॉर्म में, ये भी सिंगलेट हैं और ये भी सिंगलेट हैं। अब हम इनका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को हमने यहाँ -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटा दिया, -4 डिग्री तक घटा दिया, तो हम पाते हैं कि मेथिल का जो पीक है वो ब्रॉड हो रही है और इस हाइड्रोक्सिल की जो पीक है वो भी ब्रॉड हो रही है। हम और टेम्परेचर को घटा रहे हैं, और घटाने पर टेम्परेचर को हमने -40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तब हमें जो मेथिल एल्कोहल है, ये जो मेथिल एल्कोहल है, इस मेथिल एल्कोहल के मेथिल की हमें क्या मिलेगी, इस मेथिल एल्कोहल के मेथिल प्रोटॉन्स की हमें डबलेट प्रदर्शित होगी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है उसकी हमें क्वाड्रेट प्रदर्शित होगी। ये जो मल्टीप्लेट प्रदर्शित होने का कारण यह है कि यहाँ जो मेथिल एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है इसका फास्ट एक्सचेंज या जिसको हम केमिकल एक्सचेंज कहते हैं वो अपने हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन को अन्य मेथिल एल्कोहल के हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के साथ विनिमय करता है, इसकी दर को हमने क्विंच कर दिया टेम्परेचर को लो करके। तो अब ये जो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है वो इस 3 मेथिल प्रोटॉन्स जो कि इस ऑक्सीजन से हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ है, जो प्रोटॉन ये जुड़ा हुआ है और इस 3 प्रोटॉन है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एडजेसेंट है और अब ये हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन स्पिन स्पिन कपलिंग करने के लिए अवेलेबल रहेगा मेथिल प्रोटॉन के साथ।
तो इस हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन्स या एडजेसेंट में क्या एक प्रोटॉन है, इस एक प्रोटॉन्स की वजह से इस मेथिल प्रोटॉन्स जो कि हमें क्या मिल रहा है, डबलेट मिल रहा है, क्योंकि 1+1 क्या होता है 2, 2 का मतलब, या हमें इस मेथिल की वजह से हमें डबलेट प्राप्त होगा 3.5 के जो डेल्टा वैल्यू के पास, 3.5 इसलिए क्योंकि ये मेथिल है वो ऑक्सीजन यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होने के कारण इसकी डेल्टा वैल्यू का मान अधिक प्राप्त होता है। और हम जहाँ +31 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस मेथिल एल्कोहल के एनएमआर स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया था, उस स्थिति में हमें हाइड्रोक्सिल की सिंगलेट प्राप्त हुई थी। ये सिंगलेट कहाँ किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वाट्रेट में। क्वाट्रेट में यानी कि ये जो मेथिल है, इस मेथिल प्रोटॉन्स जो जब ये रेजोनेंस में होता है, सॉरी ये हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है जब ये रेजोनेंस में होता है, तो इसके एडजेसेंट कार्बन पे उपस्थित जो 3 मेथिल प्रोटॉन है ये इसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि एडजेसेंट पे 3 प्रोटॉन होने के कारण ये हाइड्रोक्सिल है वो 3+1 यानी कि ग्रुप ऑफ पिक्स कितनी होगी 4, वो क्या होगी क्वाट्रेट फॉर्म में होगी। क्वाट्रेट का रेशियो क्या होगा 1s2 3s2 3s2 1 के केस रेशियो में। तो इस प्रकार हम इस केमिकल्स एक्सचेंज का जो फिनोमिना है, परिघटना है, इसको हम टेम्परेचर और डीएमएस सॉल्वेंट चेंज करके, टेम्परेचर को लो करके हम इसको हम मान को न्यूनतम कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इंटरप्रिटेशंस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंटरप्रिटेशंस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनएमआर स्पेक्ट्रा का इंटरप्रिटेशंस या अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद है आप लाभान्वित हुए होंगे और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।